अब हम लोग कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव को का, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव हो गए हमारे पास। अगर हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे और हमारे पास ग्राम नेगेटिव रिजल्ट आया, तो इसका मतलब हमारे पास अभी हम कोकाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव कोकाई होंगे। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई को हम लोग नाइसीरिया भी कहते हैं, ठीक है। इनकी अब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव कोकाई आ गया ना, तो इसके हम फर्दर टेस्ट करेंगे जो कि ये ग्राम नेगेटिव कोकाई देते हैं, ठीक है। तो वो वाले टेस्ट होंगे सबसे पहले, ये आप दो तीन टेस्ट हैं ये याद कर लें, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ठीक है। और दूसरा, इनको ना हम ब्लड एगर में ग्रो नहीं कर सकते। ये स्पेशल एक तो वीपीएन एगर में ग्रो करते हैं, एक तो चॉकलेट एगर में ग्रो करते हैं, ठीक है। चॉकलेट एगर जो होता है वो हीटेड ब्लड एगर होता है, ठीक है। और दूसरा, ये वीपीएन एगर में या थेयर माइट्रन एगर में ग्रो करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्राम स्टेन्ड कोका है जो नेगेटिव होते हैं ना नाइसीरिया वाले, उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स याद रख लें कि वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोका है क्या होते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, और ये चॉकलेट एगर और वीपीएन एगर में ग्रो करते हैं, ठीक है। इनकी कॉलोनीज हमें यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि दे फर्मेंट ग्लूकोज, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ग्राम नेगेटिव कोकाई की या फिर नाइसीरिया की। अब इसमें फर्दर हमारे पास दो बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें, एक आ गया हमारे पास नाइसीरिया मेनिनजाइटिस, ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास नाइसीरिया गोनोरी। तो अब इसमें हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हमें पता चल गया ग्राम स्टेनिंग से ग्राम नेगेटिव है, हमने इस पर ये टेस्ट कर दिया, हमें पता चल गया कि नाइसीरिया है, ठीक है। क्योंकि और भी आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, ग्राम नेगेटिव एनीथिंग जो हो सकती है, लेकिन हमने ये स्पेसिफिक टेस्ट कर दिया, हमें पता चल गया कि दिस स्पेसिफिक ग्राम नेगेटिव थिंग इज नाइसीरिया और ग्राम नेगेटिव कोका है, ठीक है। अब मेनिनजाइटिस और गोनोरी में क्या फ़र्क होते हैं, तो मेनिनजाइटिस जो होते हैं ना, ये फर्मेंट करते हैं माल्टोस को, ठीक है। एम फॉर मेनिनजाइटिस और माल्टोस, तो दे आर माल्टोस फर्मेंटर्स, वेयर इज गनोरी आर नॉट, ठीक है। और दूसरा ये कि ये वाले जो नाइसीरिया मेनिनजाइटिस होते हैं ना, ये वाले कैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाले कैप्सुलेटेड होते हैं, इसलिए ये एग्लूटिनेशन टेस्ट से भी हम लोग इनको पता करवा सकते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट देंगे तो ए बी सी और इस तरह वाई होता है और एक W135 होती है, ये सारी इनकी एंटीजेनिक टाइप्स होती है ना कैप्सूल के ऊपर। तो उसके थ्रू हम एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये मेनिनजाइटिस है, क्योंकि मेनिनजाइटिस क्या होता है, कैप्सुलेटेड होते हैं। अब हम लोग गनोरी में आ जाते हैं, तो उसमें ना ही लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है, ना ही माल्टोस को फर्मेंट करता है ये, उसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी लेकिन ये दोनों नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको हम नाट के थ्रू देख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट के थ्रू, ठीक है, देख सकते हैं। और मेनिनजाइटिस का ये भी लिखा है बुक में कि फ्लोरेसेंस के थ्रू हम इसको पता करवा सकते हैं। बस ये आ गए टेस्ट किसके, ग्राम नेगेटिव कोकाई के। इट्स सो सिंपल, पहले आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे। सो लैब डायग्नोसिस अगर आपको लिखनी हुई तो आप कैसे लिखोगे, अगर नाइसीरिया आपके पास मेनिनजाइटिस आया है फॉर एग्जांपल, ग्राम स्टेनिंग करोगे, पहला पॉइंट आएगा ग्राम स्टेनिंग दैट इज नेगेटिव। तो अब क्या हो सकता है, रॉड्स भी हो सकते हैं आपके पास, कोकाई भी हो सकते हैं। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई का मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली कि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो हम फर्दर टेस्ट करेंगे कि आइदर जो हम बैक्टीरिया जो हम सैंपल में देख रहे हैं वो कोकाई हैं या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो नाइसीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं, उनके लिए ये होता है कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, ब्लड ब्लड एगर में ग्रो नहीं करते, चॉकलेट एगर में ग्रो करते हैं, ठीक है, और वीपीएन एगर या थेयर मार्टन एगर में ग्रो करते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आ गई एक नाइसीरिया की या फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई की, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि इट इज़ नाइसीरिया इन द कल्चर। अब हमने फर्दर पता लगवाना है कि आइदर इट इज़ मेनिनजाइटिस और गनोरी, तो हमें कैसे पता चलेगा,
मैनेंजाइटिस की करें ना, तो वी सेड के मैनेंजाइटिस एम से माल्टोस, माल्टोस को फर्मेंट करते हैं, और माल्टोस को फर्मेंट करेगा तो हमें पता चल जाएगा इट इज एम फॉर माल्टोस, एम फॉर मैनेंजाइटिस, ठीक है। और साथ में एक और भी मैंने आपको बताया था कि इसके ये कैप्सुलेटेड होते हैं, तो एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू आप इसका पता करवा सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एंटीजेनिक टाइप्स। और बस यही था, और हाँ फ्लोरेसेंस आ जाएगा तीसरा। सो ये सारे आप लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में लिखोगे किसकी, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के। तो इस तरह आपके पास इतने सारे पॉइंट्स आ गए और लैब डायग्नोसिस भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस की। अगर आपके पास आए अब गुनोरी, ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव, ऑक्सीडेज कहेगा पॉजिटिव, चॉकलेट एगर में वो ग्रो करेगा, वीपीएन एगर में वो ग्रो करेगा, और ग्लूकोज फर्मेंट करेगा, ठीक है। ये सारी करेक्टर्स किसकी थी, यहाँ तक ये सारी नाइसीरिया की। अब गुनोरी किस तरह पता चलेगा कि ना ही ये माल्टोस को फर्मेंट करेगा, माल्टोस नॉन फर्मेंटर है, और ना ही ये एग्लूटिनेशन टेस्ट देगा क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं होती, और ये इसको नाट के थ्रू हम पता करवा सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के थ्रू, ठीक है।